तो मैं हूँ अकबर अली, आप लोगों का स्वागत है ए टू जेड प्लम्बर में। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है वाल मिक्सर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों वाल मिक्सर लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पानी इसमें बराबर आ रहा है और इसमें शावर का जो सिस्टम है दोस्तों, शावर है, हेड शावर, सॉरी पर जो हेड शावर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कितना धीमे धीमे पानी आ रहा है और हल्का हल्का। और देख सकते हैं यहाँ पर इस वाला छेद में पानी ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है वो दोस्तों, यहाँ पर जो इस वाला छेद है इसमें पानी ही नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो इसे कैसे ठीक करना है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने हुए रहिए। सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग को पानी बंद कर देना है शावर का। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खोल लेना है सबसे पहले। इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर जो ये थ्रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों सावर में, जो सावर आर्म में रखता है निपुल, तो इसमें ये एक रबर रहता है जाल के साथ, तो यहाँ पर यह भी नहीं है, तो देखते हैं शायद ऊपर में होगा। और यहाँ पर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ये जाली जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और हम पानी चेक कर लेते हैं, जाली खुल गया है पूरा, जाली देख सकते हैं पूरा पानी अवेलेबल आ रहा है। इसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर जाली पड़ गया है, और ये जो है दोस्तों जाली रहा, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जाम हो चुका है, जाली जाली जाम होने की वजह से पानी नहीं आ रहा था। और यहाँ बाल्टी पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा जो कचरा निकला वही सावर आर्म से निकला, जाली में रुका हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग को जाली साफ कर लेना है। अब देख सकते हैं दोस्तों हम जाली भी साफ कर लिए, तो इस जाली को सबसे पहले हम यहाँ शावर के थ्रेड में लगाए थे यहाँ पर। सबसे पहले जो यहाँ पर एक वासर का भी ये काम करता है दोस्तों, और एक जाली का भी, जाली उसी में वासर में सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ सेट कर लेना है वासर को अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो सावर आर्म दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जंग लग चुका है इसमें। तो इसमें जंग लगने की वजह से दोस्तों जो सावर का जो यहाँ पर लगता है दोस्तों, वो मतलब सावर का जो थ्रेड होता है लगाने वाला, वो जाम आता है। तो इसी वजह से हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर जो है दोस्तों टेपलाइन टेप मारना है, ताकि जंग ना लगे। टेपलाइन टेप लगाने से जंग नहीं लगता है और दोनों का कॉन्टेक्ट यानी ज्वाइन नहीं होता है दोस्तों। ऐसे अगर रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही लगा दीजिएगा रबर में सिर्फ, और यहाँ पर टेप लाइन टेप नहीं मारते हैं, तो इसमें जंग लगने का चांस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टेप लाइन टेप मार लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हल्का सा हम लोग टेप लाइन टेप यहाँ लगा चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पानी ऑन कर देते हैं, क्योंकि जो कचरा वचरा ठंडा हुआ था सारा निकल जाएगा ऐसे ही, तो कुछ देर ऐसे ही चलने देना है ताकि कचरा वचरा पूरा निकल जाए। जो है दोस्तों सबसे पहले हम लोग पानी कर देते हैं, सावर को लगाएंगे, यहाँ सावर देख सकते हैं यहाँ पर, इस सावर को लगा ये दोस्तों, सावर लग के यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद ऑन कर देते हैं हम यहाँ, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों लगभग सारे में पानी आ रहा है अभी। तो कोई अगर कुछ अगर साफ अगर नहीं है दोस्तों, तो कुछ उससे साफ कर लेना है, उसके बाद जो दोस्तों पूरा पानी अब आ रहा है सावर में, देख सकते हैं यहाँ पर।